हर चीज के पीछे बारकोड क्यों है आज, हर चीज स्कैन क्यों हो रही है आज, टिकट से लेके बॉडी तक स्कैन की जा रही है आज, क्यों हो रहा है स्कैन सिस्टम इतना क्यों आया है, हर चीज के पीछे बारकोड, हर चीज के पीछे बारकोड। आपने देखा सदैव बुखार जांचा जाता है जुबान पे थर्मामीटर रख के, कोविड पे बुखार कहां चेक किया जा रहा था, सर पे मशीन लगा के और हाथ पे, वही जगहें जहां पर बारकोड लगेगा। वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग, शैतान एक तरफ लोगों को एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी जाने ही आज ये बात, यीशु जब पहली बार आया तो वो गुनहगारों के लिए आया, लेकिन याद रखिए अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं धर्मियों के लिए होगा। लिखा है वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आप जानते हो जब यीशु का पहली बार देह में प्रकट होना, सदैव याद रखना, हमेशा याद रखना मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल दो इवेंट्स के बारे में सबसे अधिक बात करती है। एक, जब वो देह में आएगा वो हो चुका है, और दूसरा जब वो देह में बादलों पर आएगा, जिसकी कलीसिया आज इंतजार कर रही है। और आप जानते हो उसका पहली बार देह में प्रकट होना, वर्ड आ रहा है ब्रदर, अगर मिल सकता है तो आप लोग ढूंढो, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, जिसमें लिखा है इब्रानियों में, अब दूसरी बार जो लोग उसे देखेंगे वो बगैर पाप के देखेंगे। अगर आपको मिलता है ढूंढिए, आप मत ढूंढिए, आप यहां देखिए। आप जानते हो जब हमारा प्रभु इस अर्थ पे पहली बार बॉडी में रिवील हुआ तो किस तरह के लोगों के लिए रिवील हुआ, उन लोगों के लिए जो व्यभिचारी है, जो बड़े घमंडी है, जिन्हें क्रोध में गालियां निकालने की आदत सी हो गई है, बहुत सारी गंदी बातों में वो इन्वॉल्व है। उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, लेकिन आप जानते हैं अब उसका दोबारा आना किस तरह होगा। आप बहुत बार पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, जब भी वो अर्थ पे आया मोस्ट ऑफ टाइम वो न्याय के लिए आया, वो पहाड़ पे उतरा। इब्रानियों में लिखा गया है वह पहाड़ जो था वो अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वो न्याय के लिए आता था। सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए उतरा, बाबेल टावर को नाश करने के लिए उतरा। पर आप पढ़ के देखिए, जब अब वो वापस आएगा वो अपने पैर जमीन पे नहीं, वो बादलों पे आएगा, क्योंकि वो न्याय के लिए नहीं आ रहा। वैसे ही मसीह भी बहुतों को पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप के दिखाई देगा। हिब्रू, पहली बार हमने उसे कहां देखा, क्रूस पे मरते हुए, पर दूसरी बार अब वो गुनहगारों के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो तैयार होके उसका वेट कर रहे। आई लव दिस फ्रेज, जो लोग उसका इंतजार करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब आइए, जब वो धर्मियों को उठाने के लिए आएगा, आपको पता है धर्मी की खूबी क्या है। अब जब मैं इस बात का प्रचार करूं तो यह ना समझो कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा, आज के वचन के लिए पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना। जानते हो धर्मियों की समझ क्या होती है, बेटा थीम वर्ड में आइए, वह धर्मियों की समझ पे ले आएगा, बोलो धर्मी। अब जानते हो धर्मियों की समझ कैसे होती है, मुझे लगता है आज आपको कुछ बैठे बैठे कुछ ऐसा मिलेगा यहां पर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बोलिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। आज से बहुत साल पहले दाऊद एक दानव से लड़ा, उसने उसे मार दिया, मारने के बाद वो फेमस हुआ। हर जगह पे दाऊद के लिए ये कहा जाता था, शाऊल ने तो 1,000 परंतु दाऊद ने 10,000 मारे। ये बात सुन सुन के शाऊल बहुत जलन में आ गया।
सुनिए, कभी भी किसी की भी फेमिलियरिटी को देखकर जलन न रखिए। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके सामने लोगों को उठाएगा तब वो उनसे ज्यादा आपको देखेगा कि आप क्या सोच रहे हो। मैंने इसे बहुत बार देखा है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता किसी का ऊंचा उठना, वो उसे मारने के लिए जादू टोना करवा देते हैं, परिवार के परिवार खत्म करवा देते हैं, हत्याएं करवा देते हैं, प्लान करके एक्सीडेंट्स करवा देते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये आदमी ऊपर कैसे आया। अब जाइए बाहर, आज आप देखिए ब्लैक मैजिक कितना बढ़ चुका है, परिवार के परिवार खत्म करवा देते हैं लोग। आपको क्या लगता है हमारे मुंबई में नहीं होता? बहुत होता है। जहां पर मैं काम करता था, मैं वहां पर हर दिन देखता था कोई नींबू फेंक के जाते थे। मैं जहां पर काम करता था, मेरे बॉस के बहुत दुश्मन थे, मैं कई बार देखता था नींबू के अंदर कुछ क्या बोलते टार्च टार्च नहीं तार तार कुछ डाल के फेंक के जाते थे ऊपर ऊपर। अब मैं तो मस्ती में आ गया था उन दिनों में, मैं आता था, बॉस बोलते थे अरे टच मत कर, मैंने बोला बॉस कुछ नहीं है, ये 15 रुपए डजन हो गया, उल्टा फ्री में मिलता है, उठाओ उसको नींबू पानी में डाल के पियेंगे अपन। वो बोलता रहा बेवकूफ, पता है तुझे क्या है, क्या है इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। मैंने बोला चिंता मत करो कुछ नहीं हो। याद रखिए, अब ये मत समझना मैं मनुष्य को महिमा देता हूं। अगर पहले माले पर एक परमेश्वर से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति बैठा हो तो ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हें पता चलता है ना एक माले पर एक अभिषिक्त परमेश्वर के साथ चलने वाला अनुग्रह से पूर्ण व्यक्ति रहता है, मैं आपको बोलता हूं ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो, वो बह के तुम्हारे पास भी आएगा। मैंने एक दिन अपने कलीसिया की एक बहन के लिए दुआ की, मैं सच में उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे प्रभु ने उसके जिंदगी के बारे में एक बात बताई, सूरज सोच 500 लोग बैठते हैं यहां, सब आशीषित होते हैं, पर वो क्यों नहीं हो पाती। मैंने बोला क्यों प्रभु? बोला क्योंकि वो रॉन्ग फेलोशिप में है। कोई है उसके जिंदगी में जो उसके अंदर कंटिन्यू नेगेटिविटी इंपार्ट करता रहता है, दैट इज अ रीजन कि वो आज ब्लेस्ड नहीं हो पा रही है। खुदा मैं क्या कर सकता हूं, बोल उससे अलग हो। और मैंने उनको बोल दिया। आपको पता है कई बार आपको पता चल जाता है ये अंधकार है, परंतु आप अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते। वो बहन अलग हुई और आज वो ब्लेस्ड है। कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति, मैं जैसे दो चीजें कहना चाहता हूं, मेरी बहनों अगर आप अपनी मैरिज के लिए दुआ कर रहे हो कि प्रभु राइट टाइम पे मुझे एक सही लड़का मिले, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। एक लड़का अगर आपके लाइफ में आया और वो आपको शादी से पहले कहता है चल घूमने, थोड़ा बहुत चलता है, वो सब करने की कोशिश कर रहा है, मेक श्योर ये वो लड़का नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, वह संगति जिस संगति में लोग आपको नेगेटिविटी इंपार्ट करें आपके अंदर, पास्टर के प्रति, कलीसा के लोगों के प्रति, अलग अलग बातों के प्रति, याद रखना यह संगति तुम्हें परमेश्वर ने नहीं दी है।